इंदौर इच्छापुर राजमार्ग वैसे तो दुर्घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहा है। निमाड़ क्षेत्र के रहवासी इस हाईवे पर होने वाले मौत के तांडव को रोकने के लिए बाईपास की वर्षों से मांग कर रहे हैं। खरगोन जिले के बड़वाहा स्थित इंदौर इच्छापुर हाईवे के समीप काटकुट फाटे पर शनिवार सुबह करीब 11 बजे एक गर्भवती महिला ट्रक के पहिए की चपेट में आ गई। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि घटना का कारण नगर पालिका द्वारा होने वाली मास्क चालनी कार्रवाई है। आपको बता दें कि इस सड़क हादसे में समीपस्थ ग्राम कदवलिया निवासी सुलोचना पति कमलेश उम्र 26, अपने देवर जितेंद्र पिता देवराम उम्र 19 निवासी खोड़ी के साथ बड़वा शासकीय अस्पताल जा रही थी। काटकुट फाटे के समीप एक ट्रक के पिछले पहिए में आने के कारण महिला का मौके पर ही गर्भपात हो गया। बड़वा टीआई संजय द्विवेदी ने महिला को ट्रक से बाहर निकालकर मृतक महिला एवं नवजात शिशु को शासकीय अस्पताल भेजा, जहां महिला का पीएम का शव परिजनों को सौंपा। इस घटना से बड़वा नगर वासियों में आक्रोश है। बड़वा से संवाददाता की रिपोर्ट। क्षेत्र में कार्रवाई हो रही है, इसकी खबर प्रकाशित के बाद भी प्रशासन ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? नहीं, प्रशासन ने संज्ञान लेके और संबंधित सीएमओ को अवगत करा दिया था कि नगरीय क्षेत्र की जो भी जागरूकता और वसूली की कार्रवाई है मास्क से संबंध में, वो नगरीय क्षेत्र में ही की जाए। और उनको बताने के बाद भी अगर इस तरह की गतिविधि हुई है तो उसकी जांच कर। सर, घटना के बाद वहाँ से लोग हट गए, वहाँ से मास्क चालाने वाले, क्या कारण होगा सर, इस पर क्या कार्रवाई होगी? आपने बताया है तो मैं पता करके इसमें दिखवाता हूँ कि क्या हुआ। सर, क्या कार्रवाई करेंगे अपन इस पर, आज जो घटना हुई है दोषियों पर कार्रवाई तो होना चाहिए, जाँच कर। सर, ये प्रावधान है कि नगर पालिका सरपंच पंचायत क्षेत्र में जा सकती है? नहीं नहीं है सर। और सर, बड़वा में नहीं हो रही है ये कार्रवाई और वहाँ हो रही है सर, ग्रामीणों को टारगेट किया जा रहा है? दिखवा देते हैं। अभी कुछ देर पहले अपने बड़वा में जो काटू फाटा है वहाँ पर एक कंटेनर से एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है। मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति था और साथ में उसकी भाभी थी। भाभी की जो जिसको लेके जा रहा था, भाभी प्रेग्नेंट थी, तो हादसे में महिला की मौत हो गई है और उसका जो अंदर बच्चा था पेट में वो भी बाहर आने से उसकी भी डेथ हो गई है। हमने बॉडी को निकलवा के यहाँ मर्चुरी में शिफ्ट कराया है और हमारे द्वारा मर्ग कायम करके अपराध भी कायम किया जा रहा है। ट्रक और ट्रक चालक इनको अभी हमने हमारे द्वारा पकड़ लिया गया, ट्रक को थाने पर सुरक्षित खड़ा करवा दिया गया। सर, बच्चा शांत कर लिया गया? बच्चा शांत हो गया? हाँ जी, अभी जो डॉक्टर बता रहे हैं उसके हिसाब से बच्चा भी शांत हो गया है, उसका भी हम लोग। सर, स्पॉट पर घटना का कारण क्या लग रहा है? अभी हमारे स्पॉट पर लोगों से हमने बयान नहीं लिए हैं, चूँकि मैं हॉस्पिटल में अभी मौजूद हूँ और हमारी टीम भी यही है। हम लोग अभी पंचनामा कार्रवाई कर रहे हैं, इसके बाद हम जब बयान लेंगे तब इससे भी कुछ कहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।